10 करोड़ रुपए का 73 किलो चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। क्या नाम है? नीतीश कुमार। घर? आपका घर? मेरा भी घर वही है, मोतिहारी। कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ मिला आपको? कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। क्या चीज लिए है? चरस। चरस। इसके द्वारा ड्रग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है और दो ड्रग्स तस्करों को जो नेपाल से करीब 73 केजी चरस तस्करी कर दिल्ली ले जा रहे थे उनको वाहन चेकिंग के क्रम में कुचायकोट थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और यह स्विफ्ट डिजायर दिल्ली नंबर की गाड़ी है जिसमें करीब 73 केजी चरस जो है वो तस्करी कर ले जाया जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 8 से 10 करोड़ बताई जा रही है। दोनों जो चरस तस्कर हैं ये मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं और इसमें हम लोग गोपालगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान स्विफ्ट कार से 10 करोड़ रुपए का चरस बरामद किया है। वहीं पुलिस ने दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में सुदेश कुमार और संदीप कुमार शामिल हैं। दोनों तस्कर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले हैं। यह कार्यवाही कोचायकोट पुलिस ने यूपी के सीमा से सटे बिलथरी चेक पोस्ट पर की है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यूपी की सीमा से आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान डीएल नंबर की स्विफ्ट कार तेजी से यूपी की तरफ जा रही थी। पुलिस के द्वारा जब स्विफ्ट कार को रोक कर गहराई से जांच की गई तो कार के अंदर तहखाना बनाकर उसमें 73 किलो चरस छुपा कर रखी गई थी जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 10 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक नेपाल से गोपालगंज के रास्ते चरस को दिल्ली में भेजी जा रही थी जहां से उसे देश के दूसरे हिस्से में सप्लाई करना था। गोपालगंज पुलिस ने दोनों गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी ले रही है ताकि मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया जा सके। गोपालगंज से संवाददाता नमो नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है? नीतीश कुमार। घर? घर चंपारण। आपका घर? मेरा भी घर वही है, मोतिहारी। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ मिला आपको? कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। क्या चीज लिए है? चरस। चरस। अरे पूरा आगे के द्वारा ड्रग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है और दो ड्रग्स तस्करों को जो नेपाल से करीब 73 केजी चरस तस्करी कर दिल्ली ले जा रहे थे उनको वाहन चेकिंग के क्रम में कुचायकोट थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और यह स्विफ्ट डिजायर दिल्ली नंबर की गाड़ी है जिसमें करीब 73 केजी चरस जो है वो तस्करी कर ले जाया जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 8 से 10 करोड़ बताई जा रही है। दोनों जो चरस तस्कर हैं ये मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं और इसमें हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर रहे हैं और पूछताछ के क्रम में बताया है कि ये जो सारा चरस है ये नेपाल से इनको सप्लाई किया गया था और ये दिल्ली में ले जाकर बेचने वाले थे और इसमें एक स्पेशल टीम गठित की गई है जो इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अन्य जो भी लोग हैं इस गैंग में उनको गिरफ्तार